नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 का फर्स्ट सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा 23 फरवरी को इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच न्यूलैंड केप टाउन में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 6:30 बजे से, यानी कि 6:30 PM से। तो आज की इस वीडियो में इस फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस फर्स्ट सेमीफाइनल मैच के लिए न्यूलैंड केप टाउन की पिच रिपोर्ट क्या है, वहीं पर इस फर्स्ट सेमीफाइनल मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस फर्स्ट सेमीफाइनल मैच में न्यूलैंड केप टाउन की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, वहीं पर इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमीफाइनल मैच के लिए न्यूलैंड केप टाउन की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 के टोटल 9 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, जिसमें से फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 4 मैचेस जीते हैं और सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 5 मैचेस जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 148 रन का है और एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 121 रन का रहा है। तो दोस्तों, आप इन ओवरऑल वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 में खेले गए मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने में या फिर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी वजह से दोनों टीमों ने लगभग इक्वल नंबर ऑफ मैचेस ही जीते हुए हैं, क्योंकि न्यूलैंड केप टाउन की पिच बल्लेबाजी के लिए काफी शानदार साबित हुई है और इसी कारण वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 में जो 9 मैचेस खेले गए हैं उनमें से ज्यादातर मुकाबले हाई स्कोरिंग रहे थे। 3 मैचेस में आपको फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 170 के आसपास या फिर इसके ऊपर देखने को मिला है। एक मैच में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 210 रन भी देखने को मिला था और ये सभी मैचेस फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि बाकी मैचेस जो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं वहां पे आपको पहली पारी का स्कोर 150 के आसपास या फिर इसके नीचे देखने को मिला है। तो ये जो सभी मैचेस के आंकड़े हैं वो भी आपको क्लियर कर देते हैं कि इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित हुआ है और इसी वजह से यहां पर बल्लेबाज इंजॉय कर रहे हैं बल्लेबाजी करना, क्योंकि हमें इस पिच पर इवन बाउंस देखने को मिलता है और इस बाउंस का फायदा बल्लेबाज पूरे मैच में उठाते हैं। इस मैच में भी दोस्तों आपको बल्लेबाजी के लिए जो कंडीशंस हैं वो काफी अच्छी नजर आएंगी। दोनों टीमों के पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप मौजूद है, तो एक बार फिर से आप एक हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर इस मैच में फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम 160 के आसपास या फिर इसके ऊपर का स्कोर बना देगी तो उस स्कोर को चेस करना मुश्किल साबित होगा, लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 140 के आसपास तक रह जाता है तो वो इस मैदान पर चेस भी किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये सेमीफाइनल मैच है, प्रेशर वाला मैच है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस मैदान के वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 में खेले गए मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की, तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो है इंग्लैंड वुमेन का पाकिस्तान वुमेन के खिलाफ 213 रन 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर लोएस्ट टोटल आयरलैंड वुमेन का है पाकिस्तान वुमेन के खिलाफ 95 ऑल आउट। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो इंडिया वुमेन ने किया है पाकिस्तान वुमेन के खिलाफ 151 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो श्रीलंका वुमेन ने किया है साउथ अफ्रीका वुमेन के खिलाफ 129 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट सेमीफाइनल मैच में न्यूलैंड केप टाउन की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 के जो लास्ट 5 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 23 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 29 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 21 विकेट लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 2 विकेट मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 11 विकेट लिए हैं। इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को 9-9 विकेट्स मिले हैं।
तो ये जो लास्ट 5 वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स हैं वो आपको क्लियरली बता रहे हैं कि इस पिच पर तेज गेंदबाज हों या फिर स्पिनर्स हों, दोनों को काफी मदद मिलती है। इसी वजह से दोनों तरीकों के गेंदबाजों ने लगभग इक्वल नंबर ऑफ विकेट्स चटकाए हैं। हालांकि स्पिनर्स को फास्ट बॉलर्स के मुकाबले थोड़े से ज्यादा विकेट्स मिले हैं, क्योंकि स्पिनर्स को इस पूरे वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 में इस मैदान पर ज्यादा मदद भी मिली है। स्पेशली जो मिडिल ओवर्स होते हैं यानी कि 6 ओवर्स के बाद, वहां पे स्पिनर्स इस पिच पर काफी घातक साबित होते हैं, क्योंकि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को इस पिच से टर्न भी मिलती है, इसके अलावा उनको बाउंस भी मिलता है, जिस वजह से वो आपको मिडिल ओवर्स में काफी ज्यादा विकेट्स चटकाते हुए नजर आते हैं। चाहे आप फर्स्ट इनिंग्स में गेंदबाजी करो या फिर सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजी करो, दोनों इनिंग्स में जो मिडिल ओवर्स होंगे वहां पे आपको एक बार फिर से स्पिनर्स इफेक्टिव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोनों टीमों के पास कुछ क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तेज गेंदबाजों की, तो जो शुरुआती ओवर्स होंगे वहां पे आपको तेज गेंदबाज एक बार फिर से इस पिच पर भी इफेक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि शुरुआती ओवर्स में फास्ट बॉलर्स को यहां भी स्विंग मिलेगी, इसके अलावा पिच से उनको थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा, तो ऐसे में वो यहां पर भी विकेट्स चटका सकते हैं। लेकिन इसके बाद मैच में आपको जो स्पिनर्स हैं वही ज्यादातर डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। इसलिए मेरा आपको ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में स्पिनर्स ज्यादा रखने चाहिए इन कंपैरिजन टू फास्ट बॉलर्स, और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 3 स्पिनर्स में आप एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ जा सकते हो। के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमीफाइनल मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन वुमेन्स टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें, तो आपको इंडियन वुमेन्स टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आएगी। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगी शिफाली वर्मा के साथ स्मृति मंधाना, नंबर 3 पर आएंगी जमैमा रॉड्रिगेस, नंबर 4 पर कैप्टन हरमनप्रीत कौर, नंबर 5 पे विकेट कीपर ऋचा घोष, नंबर 6 पर दीप्ति शर्मा, नंबर 7 पर पूजा वस्त्राकर, नंबर 8 पर राधा यादव, नंबर 9 पर शिखा पांडे, नंबर 10 पर राजेश्वरी गायकवाड़ और नंबर 11 पर रेणुका सिंह आ सकती हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपको ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम की प्लेइंग 11 इस प्रकार की नजर आएगी। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगी बेथ मूनी के साथ विकेट कीपर एलिसा हीली, नंबर 3 पर आ सकती हैं कैप्टन मेक लैनिंग, नंबर 4 पर एशले गार्डनर, नंबर 5 पर एलिस पेरी, नंबर 6 पर तालिया मैकग्रैथ, नंबर 7 पर एलाना किंग, नंबर 8 पर जॉर्जिया वेरहम, नंबर 9 पर ग्रेस हैरिस, नंबर 10 पर मेगान शूट और नंबर 11 पर डार्सी ब्राउन आ सकती हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें, तो इंडिया वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन का टी20 इंटरनेशनल्स में आमना सामना टोटल 30 मैचेस में हुआ है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम ने 22 मैचेस जीते हैं, जबकि इंडिया वुमेन की टीम ने 7 मैचेस जीते हैं और एक मैच नो रिजल्ट रहा था। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो लास्ट 10 टी20 इंटरनेशनल मैचेस इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, वहां पर भी ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम ने कंप्लीटली डोमिनेट किया है। ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम ने 9 मैचेस जीते हैं, जबकि इंडियन वुमेन्स टीम सिर्फ एक मैच ही जीत पाई है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम ने जो लास्ट 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से सभी मैचेस जीते हैं। दूसरी तरफ इंडियन वुमेन्स टीम ने जो लास्ट 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 3 मैचेस जीते हैं और 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। तो अगर आप दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म भी कंपेयर करोगे, वहां पर भी ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम काफी आगे निकलते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम की फॉर्म इस समय लाजवाब चल रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमीफाइनल मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर लें, तो ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम की तरफ से आप एलिस पेरी के साथ जा सकते हो, जो कि शानदार ऑलराउंडर हैं। पिछले 10 मैचेस में 273 रन बनाए हैं 68 के एवरेज और 158 के स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि ये राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग भी करती हैं और यहां पर भी काफी इफेक्टिव हैं। इसके अलावा आप बेथ मूनी के साथ भी जा सकते हो, पिछले 10 मैचेस में 240 रन बनाए हैं 34 के एवरेज और 119 के स्ट्राइक रेट के साथ। इंडियन वुमेन्स टीम की तरफ से आप स्मृति मंधाना को फैंटेसी 11 में रख सकते हो, ये काफी शानदार लय में है, पिछले 9 मैचेस में 239 रन बनाए हैं 34 के एवरेज और 129 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर आप हरमनप्रीत कौर को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो, पिछले 9 मैचेस में 187 रन बनाए हैं 31 के एवरेज और 109 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा दोस्तों आप इंडियन वुमेन्स टीम की तरफ से ऋचा घोष को फैंटेसी 11 में जरूर रखना, जो कि अभी तक वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 में शानदार फॉर्म में नजर आई हैं और सभी पारियों में नॉट आउट रही हैं।
इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम के बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर एशले गार्डनर के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 14 विकेट्स लिए 6.12 की इकोनॉमी और 13 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप राइट आर्म फास्ट बॉलर मेगान शूट को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 14 विकेट्स लिए 6.87 की इकोनॉमी और 13 के स्ट्राइक रेट के साथ। इंडियन वुमेन्स टीम की तरफ से आप दीप्ति शर्मा के साथ जा सकते हो जो कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। पिछले 10 मैचेस में 15 विकेट्स लिए 7.18 की इकोनॉमी और 13 के स्ट्राइक रेट के साथ। जबकि आप राइट आर्म फास्ट बॉलर रेणुका सिंह के साथ भी जा सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 8 विकेट्स लिए 5.91 की इकोनॉमी और 18 के स्ट्राइक रेट के साथ। अंत में दोस्तों अब बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमीफाइनल मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर आप ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करोगे तो वहां पर ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम का पलड़ा साफ तौर पे भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म को भी कंपेयर करें तो वहां भी ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम की जो फॉर्म है वो काफी लाजवाब नजर आ रही है। वुमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम ने जो 4 मैचेस खेले उनमें से सभी मैचेस जीते हैं। दूसरी तरफ इंडियन वुमेन्स टीम ने जो 4 मैचेस वुमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2023 में खेले उसमें से 3 मैचेस जीते हैं और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों अभी तक दोनों टीमों की तरफ से हमें इस वर्ल्ड कप में बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। तो हो सकता है कि दोनों टीमें अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो इस सेमीफाइनल मैच में दिखाएं। ऐसे में आपको एक रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड और रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर जाया जाए तो यहां पर ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम क्लियर फेवरेट्स नजर आ रही है। लेकिन जो एक रिकॉर्ड इंडियन वुमेन्स टीम को थोड़ी राहत देगा वो ये है कि T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इन दोनों टीमों का आमना सामना टोटल 5 मैचेस में हुआ है, जहां पर इंडियन वुमेन्स टीम ने 2 मैचेस जीते हैं जबकि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम ने 3 मैचेस जीते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप में जब भी इन दोनों टीमों का आमना सामना होता है तो मैचेस काफी क्लोज होते हैं और इंडियन वुमेन्स टीम भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आती है। तो एक बार फिर से इंडियन वुमेन्स टीम ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम को कड़ी टक्कर दे सकती है और उनके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल भी है। लेकिन फेवरेट्स ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम ही नजर आ रही है। तो दिल तो यही चाहता है कि इंडियन वुमेन्स टीम ये सेमीफाइनल मैच जीते, लेकिन दिमाग यही कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और ऐसे में दोस्तों इस मुकाबले के जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम के साथ ही जाने वाली है। So friends, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम ये फर्स्ट सेमीफाइनल मैच जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया वुमेन या फिर इंडिया वुमेन? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।